वेलकम टू माय चैनल। आज हम गुलाब जामुन बनाने वाले हैं। गुलाब जामुन तो आपने कई तरीके के बनाए होंगे, पर आज हम ऐसा चीज से बना रहे हैं जो कि हमारे को घर पे मिल जाती है। आज हम आटे के गुलाब जामुन बनाने वाले हैं, तो देखिए कैसे बनते हैं और क्या क्या चीज उसमें चाहिए। तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गुलाब जामुन बनाने वाले हैं, वो भी घर में ही जो चीज़ें आराम से मिल जाती हैं उसी से बनाएंगे। जैसे कि मैं आटे से आज गुलाब जामुन बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर आधा कप आटा लिया हुआ है, आधा कप ही मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है। नेस्कैफे का या और भी कई कंपनियों का आता है मिल्क पाउडर, वो मैंने लिया हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें आटा डाल लेते हैं, उसके अंदर हम ये मिल्क पाउडर डाल लेते हैं, ड्राई मिल्क पाउडर है ये, और इसके अंदर हम 1/4 चम्मच खाने का सोडा, जो मीठा सोडा होता है वो डाल लेंगे हम, और इनको अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने छान लिया है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। ये 1 चम्मच हमने देसी घी डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से ये जो मोयन कहते हैं इसको, मोयन अच्छे से लग जाएगा तो हमारे जो गुलाब जामुन है वो सॉफ्ट बनेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि घी सारे में लग जाए। ये देखिए हमने अच्छे से सब चीजों को मिला लिया है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी मुट्ठी बंद रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा अच्छे से सारे में लग चुका है। अब हम मिल्क लेंगे, नॉर्मल मिल्क लेना है हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। मैंने भी 2 चम्मच के करीब इसमें डाला है मिल्क, और 1 चम्मच मेरे ख्याल से और डलेगा इसमें। 3 चम्मच से हमारा ये आटा बनके रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमारा आटा थोड़ा है और हमें सॉफ्ट डो ही लगाना है। तो ये देखिए ये सॉफ्ट डो लग के रेडी हो गया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जिससे कि हमारे जो गुलाब जामुन है वो फटेंगे नहीं। तो ये हमारा डो रेडी हो गया है, इसको 10 मिनट के लिए अलग रख देंगे। ये देखिए अब हम गुलाब जामुन बना लेते हैं। ये थोड़े से फूल भी जाते हैं, इसलिए अपना साइज अपने आप देख के करिएगा। ये देखिए इतना इतना मैंने लिया है दो। आप चाहे तो गोल बना लीजिए, चाहे आप सिलेंड्रिकल में बना लीजिए, वो आपके ऊपर है, जैसा भी आप बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए ये मैंने लिए, इसको अच्छे से पहले दबा के थोड़ा सा अच्छे से रोल कर लेना है, फिर इसको इस तरीके से हम सिलेंड्रिकल बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने गुलाब जामुन बनाए हुए हैं, यहाँ पे फटा हुआ कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, क्रैक्स नहीं होने चाहिए कहीं भी। इस तरीके से इस साइज के मैं बना रही हूँ, तो ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग। अच्छे से इसको दबा के पहले रोल करके फिर हम इसको सिलेंड्रिकल बनाएंगे। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन बनके रेडी है, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। चलिए अब हम चाटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 कप चीनी ली है और इसमें मैं 1/2 कप पानी डालूंगी, इससे हम लोग चाटनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी चाटनी रेडी हो रही है। इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे।
सेमी ऑलमोस्ट पिघल चुकी है। अब इसमें थोड़े से हम छोटी इलायची कूट के डाल देते हैं। और दो चार मैं केसर के पीसेस भी इसमें डाल रही हूँ। ये अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, जरूरी नहीं है पर डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये मैंने केसर डाल दिए, ये देखिए अच्छे से चाशनी बन गई है। बस हमें ज्यादा कार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ये देखना है कि ये थोड़ा सा चिपचिपा लगने लगे हाथ पे, तो इसका मतलब हमारी चाशनी बन के रेडी है। अब हम बंद कर देते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल गरम कर रखा है, हमें ऑयल एक बार गरम हो जाए उसके बाद हमने इसको मीडियम आंच पे कर देना है, क्योंकि ये तेज आंच पे नहीं सेकना हमने। और सबसे पहले एक गुलाब जामुन डाल के देखेंगे, अगर वो ठीक से हो जाता है तभी हम और करेंगे। तो मैंने एक गुलाब जामुन डाल दिया इसको, और सिम पे की हुई है मैंने गैस मीडियम आंच पे। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, अगर ये ठीक से बन जाते हैं तो इसका मतलब हमारा प्रोपोर्शन सारा ठीक है। कि अगर गुलाब जामुन फट रहे हैं इसका मतलब हमारा दूध की मात्रा जो है वो कम रह गई है, क्रैक्स नहीं आने चाहिए। ये देखिए हमारा गुलाब जामुन बहुत अच्छे से बन गया है, तो इसका मतलब हमारा रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। इसी रेशो में आपको लेना, ये देखिए गुलाब जामुन का कलर भी बहुत सुंदर आया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, बाकी गुलाब जामुन भी हम फ्राई कर लेते हैं। चलिए अब हम बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। गैस को हमें धीमी ही रखना है, तभी वे अंदर तक सिकेंगे हमारे। तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं सेकना है। अब इसको 2 मिनट होने देंगे, उसके बाद ही पलटेंगे। धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको पलटेंगे, क्योंकि टूट सकते हैं नहीं तो। अब बार बार हिलाते जाएंगे, नहीं तो ये एक तरफ से ही हो जाएंगे। इस तरह से पलटते हम लोग इसको ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब आपको अपने ऊपर है कि कितना ब्राउन आपने डार्क ब्राउन करना है या लाइट ब्राउन करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कर दीजिए। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन अच्छे से सिक चुके हैं, हम इसको निकाल लेते हैं। चाशनी हमारी बनी हुई है, हमने पहले ही बना ली थी, उसमें डाल देंगे अब इसको। ये देखिए यहाँ पर चाशनी हमारी गर्म है, इसमें गुलाब जामुन डाल देंगे और एक उबाल आने तक हम इसको उबाल लेंगे गुलाब जामुन डालने के बाद, क्योंकि आटे के हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम उबाल आने तक इसको उबाल लेंगे। देखिए हमारे गुलाब जामुन अच्छे से बन गए हैं और तैर रहे हैं। अब हम इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे। गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको ढक के रख देते हैं, तो हमारे गुलाब जामुन रेडी हो जाएंगे। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन बन के रेडी हैं। ये देखिए अब कितना फूल भी गए हैं, इन्होंने अच्छे से
फिर चाशनी है सोफ कर लिए, इस तरीके से आप खुद बनाइए। मैं एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और अंदर तक इनके रस चला गया है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।